हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने हूं, जो जून मंथ का है। दोस्तों, ये जून मंथ का जितने भी करंट अफेयर का वीडियो प्रश्न है, तो इसमें जो है हम बता रहे हैं आपको कि एक रिवीजन के पर्पज़ से यह वीडियो लेकर आपके सामने आया है। तो यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू किया है? तो कौन सी कंपनी है, वो है भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जो है बीमा रत्न एक योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, ओनली फॉर प्रश्न रहेंगे और उसका उत्तर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब रिविजन के पर्पज़ से यह वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। चलते हैं सेकेंड प्रश्न की तरफ। चलते हैं सेकेंड प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर अनंत परम सुपर कंप्यूटर जो है परम अनंत सुपर कंप्यूटर है, वो तो कौन सी आईआईटी में स्थापित किया है? वो है आईआईटी गांधीनगर में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में दो नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? तो कौन सा राज्य है, वो राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है दो नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह कौन थे, हमारे देश के कौन हैं, कौन है, तो हमारे देश के एक रक्षा मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं चौथे प्रश्न तब चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में भारत की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है? तो कितने प्रतिशत है, तो है 29.58% जो है हिस्सेदारी को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन में 2022 में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो वह कौन सा राज्य है, वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली जो हमारी बॉक्सर थी वो कौन थे, निकहत जरीन। ये कौन सी चैंपियनशिप में जीती थी, ये है महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर हैं। ठीक है दोस्तों, तो तेलंगाना सरकार ने 2 करोड़ रुपया जो है देने की घोषणा की है। छठे प्रश्न तब चलते हैं। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, वो है राजेश गेरा। राजेश गेरा को जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम फास्ट बता रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जो पदक जीता है वो कौन सा पदक है, वो पदक है कांस्य पदक। कांस्य पदक जो है भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर ये पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, यह खेल से संबंधित प्रश्न है, तो खेल से संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में आने की संभावना होती है। आठवां प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा है, इजराइल। इजराइल के साथ जो है संयुक्त अमीरात के साथ जो है इजराइल ने जो है एक व्यापार मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नाइन प्रश्न की तरफ चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक जो है वह सुजाय लाल थायोसेन है। सुजाय लाल थायोसेन। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, तो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि रक्षा विभाग से एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना होती है। तो आप कॉपी में नोट डाउन करते चलें जो भी आपको लगता है कि यहाँ वीवीआई प्रश्न है। दसवां प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो कौन सी है, मिताली एक्सप्रेस। यह है जो है बांग्लादेश के बीच में चलने वाली, भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी जो है पैसेंजर ट्रेन है,
जिसकी हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो है बांग्लादेश की तरफ से जो ऑलराउंडर जो हैं वो हैं हाकिम अल हसन। हाकिम अल हसन को जो है तीसरी बार टेस्ट टीम का जो है कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाकिम अल हसन। 12 प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा ACB 14400 नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तरफ से जो है ACB 14400 जो है नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। वह भारतीय अमेरिका छात्र जिसने हाल ही में 2022 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है, तो कौन है? वो है हरिनी लोगन। हरिनी लोगन जो है वो भारतीय हैं लेकिन अमेरिका छात्र हैं, जो स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी में जो है पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबला जीतने वाले खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, 14वां प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस तो कब 3 जून को मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, क्योंकि दिवस से रिलेटेड प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो जहां पर विश्व लग जाते हैं, जहां पर विश्व का आ गया तो एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है कम से कम 100% तो नहीं बोल सकते लेकिन 80% हम बोल सकते हैं, तो ये एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, तो आप इसको भी नोट डाउन अपने कॉपी में करें। विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है तुर्की देश का नाम बदलने के लिए उसका अनुरोध को स्वीकार किया, तो तुर्की का नाम तुर्किये रखा जाएगा, तुर्किये। ठीक है दोस्तों, 16वां प्रश्न है, हाल ही में किसे नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन है? तो नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए हैं जुल्फिकार हसन को। जुल्फिकार हसन जो है नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, हम एक से दो बार इसलिए पढ़ते हैं कि आप जो हैं अगर प्रश्न पर हम हर एक प्रश्न पर कुछ ना कुछ जो है 10 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम देते हैं कि आप उसको समझें और कॉपी में नोट डाउन करने में आपको टाइम मिले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है के लिए प्रीमियम के दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो सालाना से जो बढ़ाकर कर दिया है अब 436 रुपया कर दिया। पहले क्या था, 330 रुपया था, अब कर दिया है 436 रुपया कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये बैंक के जो एग्ज़ाम होता है, बैंक के एग्ज़ाम के पर्पज़ से अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न जो है योजनाओं से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं वो एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, तो जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं इस टाइप के प्रश्न को अब नोट डाउन कॉपी में जरूर करें कि जब एग्ज़ाम हो तो उसे एक नज़र देखकर एग्ज़ाम में अपना जाने जाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर तय कर दी है, तो इसका समय सीमा अब जो बढ़ाकर तय की है वो है 30 जून 2022 कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाल कार्यभार दिया है? तो है अतिरिक्त जो कार्यभार जो दिया गया है वो है हमारे जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को रामनाथ कोविंद ने उन्हें लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभालने का एक जिम्मा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जो है हमारे देश के राष्ट्रपति हैं।
20वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य सरकार है? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है एक नागरिक के समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया, वो है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 21 प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस, देखिए जहाँ पर विश्व लग गया वो जो प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस टाइप के प्रश्न को आप जो है नोट डाउन कॉपी में जरूर करें। विश्व दूध दिवस जो होता है, वर्ल्ड मिल्क डे जो होता है, वो 1 जून को मनाया जाता है। कब? 1 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है सॉरी चक्र से जो है उसको सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है? तो भारत ने जो है श्रीलंका को जो है 40,000 मीट्रिक टन जो है डीजल का एक खेप भेजा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो जो है राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन जो है गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के थीम क्या है? तो थीम जो चुना गया है वह है मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग का एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है थीम चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने 20 मई 2022 को किस राज्य में नेचिफू सुरंग का उद्घाटन कार्य पूरा कर लिया है? तो है कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है नेचिफू सुरंग का उद्घाटन पूरा किया गया है, नेचिफू सुरंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो है 29 मई को। 29 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में बेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है? तो वह है केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है पहले जो है टोमेटो फ्लू एक बीमारी था, वो फैल रहा था, उसके बाद जो है अब एक नई बीमारी आ गई है, वो बेस्ट नाइल वायरस जो है वो फैल रही है, कहाँ? केरल राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को। देखिए विश्व जहाँ आ गया वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो विश्व जहाँ पर आया उसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। तो एक अब 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है? तो कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। राजस्थान ने जो है खेल के क्षेत्र में जो है 1,000 करोड़ रुपये का खर्च करने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है? तो है 4 साल। 4 साल जो है केंद्र सरकार ने क्या फैसला किया है कि अगले 4 साल में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है वो 29 मई को मनाया जाता है, 29 मई। नेक्स्ट प्रश्न है, वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल
जीरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है, वो है रूस। रूस ने जो है एक अपने नौसैनिक की ताकत बढ़ाने के लिए हाइपर सोनिक मिसाइल जो है जीरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है? तो है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में जो है मकाक, सेला मकाक नाम का जो है नई प्रजाति का जो है एक बंदर पाया गया है। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी सी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः कितने वर्ष के विस्तार की मांग की है? तो है 20 वर्ष के जो है विस्तार की मांग की है, किसके तरफ से? तो विद्युत मंत्रालय की तरफ से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विद्युत तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो कौन सा राज्य है? वह है झारखंड। झारखंड राज्य को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार जो है 2022 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो थीम है, केवल एक पृथ्वी, क्या है? केवल एक पृथ्वी। ये जहाँ पर थीम आ जाती है, तो थीम जहाँ पर आ गई वो एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है 75 से 80% के बीच में जो है इसकी संभावना होती है, तो कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसकी थीम है केवल एक पृथ्वी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार ने जो है कॉलोनियों और सड़कों का नाम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत दर की मंजूरी दे दी है? तो है 8.1% जो है उसकी मंजूरी दी है, 8.1% की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है। कुछ कुछ ऐसा ही प्रश्न है जो पीछे बता चुके हैं वो भी मैच कर रहे हैं, और कुछ जो प्रश्न हैं वो नए प्रश्न भी इसमें आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखें, ये ना देखें कि थोड़ा सा देखें उसके बाद वीडियो आपको पॉज कर दें या स्किप कर दें, इस टाइप का नहीं। वीडियो आप पूरा देखें, आपके लिए जो है फ़ायदेमंद ही होगा, नुकसान तो नहीं कर सकता। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को जो है मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो वह राज्य जो है मेघालय राज्य है। किसमें सर्वश्रेष्ठ जो विश्व शिखर सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ परियोजना जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है, वह है मेघालय। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला किया? तो है पंजाब। पंजाब सरकार ने जो है एक नया फैसला शुरू किया है, नया फैसला लिया है, जिसे पेपर पहले स्टाम्प पे काम होती थी, अब ई स्टाम्प का जो है शुरू करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने आईएसएसएफ निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है? तो है अंजुम मौदगिल ने जो है आईएसएसएफ निशानेबाजी चैंपियनशिप का सिल्वर पदक जीता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो पहले 10 करोड़ रुपया जो दिया जाता था उसको बढ़ा कर जो है 50 करोड़ रुपये जो है कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो वह है मिताली राज। मिताली राज जो हमारे भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जो कौन से खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के क्रिकेट में जो है इनका नाम अच्छा था तो क्रिकेट खेलते थे, तो इनका नाम क्या था, मिताली राज। मिताली राज ने क्या किया है कि सभी प्रारूपों, मतलब कि आपका वनडे हो गया, टेस्ट हो गया, T20 हो गया, हर एक मैच से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रत्यायन दिवस जो है, विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 9 जून को। 9 जून को जो है विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है, 9 जून। अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों में कितने करोड़ रुपये की सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद की मंजूरी दी है। तो है 76,30,390 करोड़ रुपया का जो है एक मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, 76,390 करोड़ रुपये का। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए लॉन्च किया है, तो वह है गोवा। गोवा राज्य सरकार ने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विगिल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा, बीच विगिल ऐप, क्या एक ऐप है जो गोवा के सरकार की तरफ से जो है समुद्र के प्रबंधन के लिए जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। तो है चीन। चीन की तरफ से जो है भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है, किसका, चांद का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं। तो इनके फॉलोवर्स हो गए हैं 20 करोड़ जो है इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोवर्स हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है। कारपोर्ट जो स्थापित किया वो है मारुति सुजुकी ने जो है हरियाणा साइड पर जो है 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट जो है स्थापित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है। तो वो बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जो है 27 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य वन जीव बोर्ड ने हाल ही में वन जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और कितने वन जीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है। वो है 3। 3 जो है वन जीव अभयारण्यों की जो है मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो ये कर दिया गया है 7.8% जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी है। तो है वियतनाम को। वियतनाम को जो है राजनाथ सिंह के द्वारा जो है
और देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है कृष्णा निश्रीनिवासन को जो है एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ACB 1400 ऐप लॉन्च किया है? तो है आंध्र प्रदेश के तरफ जो है ACB 1400 ऐप जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है? तो है श्रीलंका देश ने जो है 4 महीने की अवधि में जो है लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो बन गए हैं वो कौन हैं? तो है रामकृष्ण मुकाबली जो है ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण मुकाबली। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 के थीम क्या है? दोस्तों विश्व ब्रेन दिवस जो है इस टाइप का जो प्रश्न है और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का थीम के जो है एग्जाम में आने की संभावना भी लगता है हमको, क्योंकि ये जो प्रश्न हमेशा जो है किसी न किसी सेट में देखते हैं, एग्जाम में पूछे हुए भी देखे हैं। तो इसका थीम क्या है? यह है टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर इसका थीम है। ये कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो वह राजस्थान सरकार की तरफ से जो है अपने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न जो है पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान पर दिया गया है? तो है भारत को जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है सबसे नीचे स्थान पर नाम दिया गया है, वह भारत देश है अपना। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच में जो है 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स मतलब EX संप्रीति एक्स का आयोजन किया जा रहा है? वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है 5 जून से 16 जून तक जो है संयुक्त सैन्य परीक्षण का अभ्यास जो है उसका नाम क्या रहेगा? EX संप्रीति एक्स। ठीक है, पूर्व संप्रीति एक्स इसका नाम रहेगा, इस योजना आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर में कितने फीसदी की बढ़ोतरी का घोषणा की है? तो 0.050% की जो है घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, जीरो पॉइंट फाइव जीरो फीसदी। अगला प्रश्न है, आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं? तो है आलोक कुमार चौधरी जो है SBI बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ये एग्जाम के पर्पज़ से बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइप के प्रबंधक जो होते हैं इसे एग्जाम में आते हैं, SBI का एग्जाम है तो उसमें आने की संभावना है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई को जो है नियुक्त किया गया। किसे?
सतीश पाई को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो जो है वो बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो है भारतीय वायुसेना जो है हेरिटेज सेंटर जो है बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को कितने प्रतिशत बढ़ने की अनुमान लगाया है? तो लगा है 7.5%। ठीक है, 7.5% मतलब 7.5% जो है बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय वायुसेना के जहाज़ों निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो 32 साल तक जो है इस शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय नौसेना ने क्या किया, नौसेना के जो है जहाज़ थे निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो सबसे ज़्यादा भंडार जो पता भी जो लगा वो बिहार राज्य में लगाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है हर एक साल जो है 7 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि फोर का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया है, ये किस खेल से संबंधित है? तो है बैडमिंटन। बैडमिंटन से गुरु साई दत्त जो है संन्यास लिए हैं, तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है गुरु साई दत्त। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को दो साल से अधिक का विस्तार किया गया है? तो वह संदीप प्रधान को जो है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार किया गया, मतलब उनका कार्यकाल का जो है समय बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।